जीत हमारी सोच पर निर्भर है। अगर मान लिया तो हार, अगर ठान लिया तो जीत। तो देखो आज हम बात करेंगे एक अपनी फेवरेट बुक। फेवरेट बुक का मतलब जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट होता है भाई, या जिसको भाई लगाव होता है पॉलिटिक्स से, तो उसके लिए यार राज्य व्यवस्था, इसको कहते हैं भाई हिंदी में राज्य व्यवस्था, उसकी हम बात करेंगे। तो भारत की राज्य व्यवस्था, देखो भाई मैं तो हिंदी में पढ़ता हूँ तो मैंने ये हिंदी में ली है, जो इंग्लिश में परचेस करना चाहे वो इंग्लिश में परचेस कर सकता है, ठीक है। और जिसको ये बुक परचेस करनी है, या फिर मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दे रखा है कि मतलब पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा था मैंने कि आप पूरा यूपीएससी की हिस्ट्री की भाई कैसे पेपर देते हैं, मतलब क्या क्या होता है पेपर में, कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कब फॉर्म भरते हैं, वो सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो में दे दिया था। तो आपने, आपको अगर नहीं पता तो मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो है, इसमें मैंने सिलेबस बताया है या पूरी एग्ज़ाम के बारे में बताया है, उसे जाके देखें। इस वीडियो में मैंने उस वीडियो का लिंक भी दे रखा है, ठीक है, सिर्फ उसी वीडियो का लिंक है इस वीडियो में। और तो आज हम बात करते हैं इसकी बात बुक की, और बाकी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है मेरे नंबर पर 9368301994, ओनली व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप करना आप मुझे इस नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सएप करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट आप लिंक से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं पूरे क्राइटेरिया वाला, और इस बुक को मैं आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिलवा सकता हूँ, लेकिन वो पीडीएफ के वाले पे होगी, और अदरवाइज तो आप देख ही लीजिएगा। लहा अब हम बात करते हैं इस बुक की, तो इस बुक की भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो वो इसका फेवरेट है। डायरेक्ट ही इस बुक से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं इस बुक से। बहुत ही फेमस बुक है, और ये पता है सबसे मेन जो है वो प्रिलिम्स के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर वन में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सन 2019-3 में मुख्य परीक्षा में प्रस्तावित अंक अच्छे खासे हैं, मैं आपको इसका ही पूरा डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि भाई कितने कितने हैं। तो सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा, मतलब प्रीलिम्स में जो परीक्षा में होती है, तो 1993 में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1994 में 14, 1995 में 17, 1996 में 10, 1997 में 12, 1998 में 5, 99 में 9 और 2000 में 12, ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। मैं लास्ट से भी आपको बता सकता हूँ कि 2016 में 5 क्वेश्चन पूछे थे, 2015 में 15 क्वेश्चन डायरेक्ट इस बुक से पूछे गए थे। तो भाई ये बुक जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उसके लिए, तो मैं तो भाई ये बुक सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर प्रीलिम्स का पेपर देना है तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। क्वालिटी की बुक है ये, या राज्य व्यवस्था कह सकते हैं इसको हिंदी में। और बाकी अगर आपको कोई नॉलेज लेनी है तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। और ये जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन, जो 100 क्वेश्चन आते हैं हमारे मेन प्रीलिम्स परीक्षा में, प्रीलिम्स जीएस पेपर बन में जो हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, उनमें डायरेक्ट आपको 15 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, 20 भी मिल सकते हैं, 12 भी मिल सकते हैं, 18 भी मिल सकते हैं। अगर एक एवरेज लिया जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। बुक्स ये डायरेक्ट ही इतने क्वेश्चन होती है, और अच्छा खासा वेटेज कंटेन करती है ये प्रीलिम्स पेपर के लिए। सोचो अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो भाई 20 क्वेश्चन तो आपके यही हो गए, यानी 40 मार्क्स तो आपके पक्के हो गए, और फिर तो भाई कम ही पढ़ना पड़ेगा आपको इस हिसाब से। तो ये बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर पढ़िए, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या आप पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बुक बहुत बेटर है। मैंने खुद ही इसको एनालाइज किया है ये बुक के बारे में, एक एक चीज को इन्हें बहुत ही अच्छे से बताया है, एक एक लेसन कि भारत का पहला मंत्रिमंडल, संविधान सभा, मतलब एक एक चीज को अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।